तो गाइस ये है डानू फेस्टिवल की एंट्री। हे गाइस, तो आज हम आए हैं डानू फेस्टिवल के लिए। आगाऊ मग आज बस बस गया। कंटाळा आलाय नाही सुधारणार। चटणी लावायची आणि असं तोडलं मी आणि खाल्लं तू। पकड़ 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 हल्का है। बोल बोल उड़ता नहीं कभी उड़ा दादा। डायरेक्ट गाइज इंटरव्यू देख के तो आपको मालूम पड़ ही गया हम आज कहाँ पे आए हैं। आज हम आए डहानू में डहानू फेस्टिवल के लिए। तो गाइज अभी हम यहाँ से जाएंगे ईस्ट में ऑटो पकड़ के सीधा जाने वाले डहानू फेस्टिवल के लिए। चलो चलते मिलते डहानू फेस्टिवल में। हे गाइज गाइज डहानू फेस्टिवल 2.0 हम आ गए हैं एंट्री गेट पर। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे और सीधा जाने वाले पूरा फेस्टिवल देखने। भूख भी बहुत लगी है पहले, कुछ खाने का भी हम देख लेंगे कहाँ पे फूड सेशन है। तो चलो यहाँ से हमने अंदर एंटर कर लिया है। सामने ही लगाया है डहानू फेस्टिवल का फोटो सेशन। गाइज आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा करके ना हैंडमेड जो भी रहेगा, मतलब हैंडमेड आपको ड्रेसेस रहेंगे, इयर रिंग्स रहेगी या कुछ लकड़ियों का जो सामान रहता है, बहुत सारे ऐसे शोपीस रहते हैं, वो सब यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। और ये फोटो सेशन के लिए भी उन्होंने बीच बीच में अच्छे अच्छे डेकोरेशन बनाए हुए हैं। तो गाइज अक्षु के टी शर्ट देखने के लिए कंटाळा आलाय नाही सुधारणार। आईचं लेकरू गोंडस गोंडस पोर आहे। आईचं नाव सांगू का, आईला नाव सांगू का, माझ्याशी नीट बोलायचं समजलं ना। इसमें कोई भी खड़ी का नहीं है। ये इधर वाले छान है। 50 में क्या प्राइस है इसका? 30 रुपये। हाँ घे बग ला बग मस्त वाट एकदम बगा तुला मस्त वाट एकदम ये ना अजून छान वाट। ओनली 30 रुपीज।
प्रिंटेड कप, अगर आप उसमें चाय डालोगे तो आपका फोटो ऐसे बाहर आए। क्या है इधर? प्रिंटेड कप्स है, तुम्हें सब गर्म वस्तु डाल तुमसे फोटो ऐसे बाहर है ना। अरे एक नंबर है। याची काय प्राइस सांगितली? याची 200 आहे। ओके, हे 150 आहे आणि हे 200 आहे। हे 150 आहे का? ट्राय करायला लागतो ना आपण घरी पापड। मला लागली आहे खूप भूक। अरे इकडे कुठे जेवण भेटतच नाही। मला दिसत चालव चालव चालवतो। गाईज आहे काय केले इधर? कशासाठी आलात आपण इकडे? फेस्टिवल बघायला। पोट पूजा इट्स मोर इम्पॉर्टंट। कुठते आहेत? कुठते साईडला? माझ्या तभी हम कम से फूड स्टेशन देख रहे, लेकिन नहीं मिल रहा है फूड। मंदिरात मागे छान आहे ना। तेव्हा आदर ना त्यांनी घातलं तेव्हा काय आहे? ओके या डिझाईन आहेत ते बनवून देतात। काय प्राइस आहे? 50 रुपये ना। आणि जी कलर गॅरंटी काय? रोज वापरत 2 वर्षात खराब ना। दागिने बनवून देतात बघू। 50 रुपये बोट बघा, आधी बोट बघा आखा भरलेले खाली अंदर हॉल नको भरले। मला ह्याची करून द्या, सगळं फिनिशिंग करून देतात। हमारे पास गोल्ड की कुछ कमी नहीं थी, लेकिन गोल्ड इज गोल्ड है यहाँ पे तो। साडे 450 बोलतोय तो। एक कुर्ता लखनवी कुर्ता 4 to 5 250 मिळतो। पण हे कसं आहे, इकडे फेस्टिवल आहे त्याच्यामुळे त्यांना कमवायचंच आहे। शेवटी त्यांना पैसे काढायचे ना, एवढे भरल्यात इकडे 3 दिवसात। हँडमेड आहे। हँडमेड आहेत ना? 100
छान वाटतात बट तिकडे मिरर तुला तो घूमते घूमते आगे अगले पड़ाव पे अभी कौन सा पड़ाव है क्या मालूम। भूख इतना लगा है कि ढूंढते ढूंढते हम अलग किधर पहुंच गए अभी क्या कुठे आले आपण का भाई चल पहले वेट करो मुझे आगे पूजा रही है ना सोनू खाना कस ना हो वरती लिहिले ना भाकरी वगैरे म्हणजे असं लिहिलेलं वरती खाना ढूंढते ढूंढते हम गलती से वेज में आ गए लेकिन हम इधर से भी हमारी गलती सुधार के जाने वाले हैं आउटसाइड जो कि नॉन वेज का है। नॉन वेज खाने के बाद हम कुछ स्वीट खाने के लिए आ गए। मजा है ना पान खाने में। मुझे भूख लगा है सो हम जल्दी जल्दी वीडियो निकाल के ना खाने जाते भूख लगा है। वीडियो रहने दो पहले खाने चलते। आई एम हंग्री। छोले भटूरे नॉन वेज फाइनली नॉन वेज काय होत बिर्याणी खातात तुम्ही पण पण इकडे मटन चिकन सगळं घरगुत मटन भाकरी तू आपने फोन मारने मैंने जवाब आ मी काय बिर्याणी पण आणायची हां बात करते। देखो खाना ढूंढते ढूंढते कैसे इधर उधर भाग रही है भूख लगी है भूख यार। अभी हम कबाब खाने सीख कबाब क्योंकि इसने कभी ट्राई नहीं किया तो आज ट्राई करेगी ना या जाएंगे अभी हम सीख कबाब खाने के लिए सीधा। कबाब कैसे थे सिख कबाब एक गेव ना 150 ओके पहले एक गेव हर एक फूड थोड़ा थोड़ा हम ट्राई करने वाले हैं। तो फर्स्ट लिया है हमने कबाब चिकन सीख कबाब क्या लगा खाते हैं गरम करे तो मजा ना चटनी लावायची आणि असं तोडलं मी आणि खाल्लं तू एक ना आवडेल तुला खाऊन दे मटन भाकरी चिकन भाकरी चिकन भाकरी 200 ना एक मटन
चार्ज कितनी है? ठीक है, मटन डिश तैयार, मटन मेजवानी कट्टा श्रीमंताचा वाडा। तुम्ही पण या एकदा विजिट करा, नक्की आम्ही पण येऊन लगेच विजिट करून घे, ट्राय कर। का घेतलंस मटन? नाही आवडत मग तुला आवडत? हो माझ्यासाठी घेतलं सर, काय तुला असं म्हणायचं आहे का? ठीक आहे, पण रस्सा खूप 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 छान आहे, दे मी खातो आता। माडी घेऊन ना काहीतरी, एक वाजता कमी होतो। मी मटन खाऊन जातो का? अजून जाऊन घेऊ पहिले एक। ओके थँक यू। यस थोडा पकड पकड पकड, हलका आहे। हा चिकन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन बिर्याणी, चिकन बोल बोल। क्या इस तरह देखो, अभी चली उड़ने के लिए, उड़ने के लिए चली, उड़ने के लिए उनके साथ जाओ जाओ जाओ। गाइस एक साइड में पूरा यहाँ पे आपको ढालो फेस्टिवल, बीच पे भी पूरा फेस्टिवल का माहौल बना के रखा है। गोवा बीच, या पब्लिक उड़ता नहीं कभी उड़ा था। चला मीठा मसाला बोलो मैम, काय घ्यायचं? तेवढं तिकडे समोर लावला तू ना पान, कुठला घ्यायचं तुला सांग। चॉकलेट है, बनारसी है, चॉकलेट है, चॉकलेट पानी है। कितना? दो। पूर्ण एक तो खाई चस्ता? डायरेक्ट। गाइस तो शाम के 6 बज गए, हम यहाँ से निकल गए। आप भी इधर जरूर एक बार विजिट करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना। चलो बाय बाय। 26 तक कुछ है ये फेस्टिवल,